आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी। इसके लिए मैंने चावल बॉईल कर रही हूँ। इसमें डाला है मैंने नमक, तेल और थोड़ी काली मिर्च। दो हरी इलायची डालूंगी इसमें। और ये चावल बॉईल करने के बाद आगे बताती हूँ क्या करना है। ये मैंने थोड़े से लहसुन कूट लिए, थोड़ी सी हरी मिर्च, प्याज और गोभी और शिमला मिर्च और आलू, इनके पीस कर लिए। इनको मैं फ्राई करके अलग रखूँगी। और ये मैंने टमाटर पीस लिए हैं और ये हरी मटर है, इसको मैंने, ये फ्रोजन मटर है तो इनको मैंने थोड़ी सी पानी में डिप करके छोड़ दिए। अब ये चावल उबलने के बाद आगे बताती हूँ क्या करना है। अब इसमें मैं तेल डालूंगी। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे, फिर इसमें प्याज फ्राई कर लूंगी। तेल गर्म हो चुका है, उसमें ये प्याज लाल होने तक पकाइए। ये इस तरह से प्याज फ्राई करके रखने हैं बिल्कुल लाल। और इसके अंदर हम ग्रेवी बनाएंगे। और फिर चावल को मतलब 80% बॉईल करना है और बाकी कच्चा रखना है। अब जो ये चावल फ्राई करे वही तेल इसमें डाल दें। थोड़ा तेल और डाल रहे हैं इसमें। अब इसके अंदर जब डालेंगे जीरा, जीरा अच्छे से चटकने लग गया तब इसमें डालेंगे ये दालचीनी, काली मिर्च। उसके बाद डालेंगे जो जरा लहसुन कूटा था वो। और ये हरी मिर्च, अब इसमें जो गोभी काटी हुई है वो डालेंगे और ये शिमला मिर्च और ये आलू, तेल में पकाएंगे और ढक देंगे तो ये पक जाएगा।
सब्जियां गल जाएगी, उसके बाद आगे बताते हैं। ये पक चुके हैं, ये सब्जियां सारी गल गई, अब इसमें टमाटर की प्यूरी डालूंगी। ये प्यूरी भी अच्छी पक जाएगी जब मसाला डालेंगे इसमें। ये दही डालेंगे, दही मैंने फेंट कर रखा हुआ है, ये देखिए। और इसमें मैंने 2 मैगी मसाले के पाउच डाले, इस मसाले में नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर और 2 मैगी मसाला के पाउच। अब ये साथ में मटर भी डाल दूंगी मैं। अब ये दही भी डाल दूंगी इसके साथ में, तो ये पकता रहेगा। और दही डालते इसको हिलाना है, छोड़ना नहीं है। और ये मसाले जो मैंने बनाए थे वो सब डालूंगी इसमें, हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा नमक मैंने चावल बॉईल करते टाइम भी डाला था, तो इसमें कम डालूंगी मैं। अब ये मसाला अच्छे से पकेगा, उसके बाद चावल डालेंगे इसमें। इस तरह से ये जो पुराना आटा होता है उसके ऐसे लंबा लंबा बना के रखूंगी, ताकि इसको ऐसे कवर करने में मेरे हेल्प मिलेगी। और जो ये प्याज है, ये जो मैंने फ्राई करके रखे थे, ये लाल, ये इसमें चावल में मिला दूंगी डायरेक्ट, इसको अच्छे से मैश करेंगे सारे को। ग्रेवी बन चुकी है, आधी ग्रेवी इसको बाहर निकालेंगे अपन, ताकि ऊपर से मिलाएंगे। अब ये जो चावल हैं इसमें मैंने प्याज इसमें ही मिक्स कर दिया, अभी इसको अंदर डालते जाएंगे। जो ये ग्रेवी मैंने निकाली थी ऊपर से, इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छे से कवर कर देंगे, इस आटे से ऐसे कवर कर देंगे।
कम से कम इसको 10 मिनट और इसमें पकाएंगे, उसके बाद बताती हूँ। इसमें काला नमक, पुदीना पाउडर सूखा हुआ पुदीना, और लाल मिर्च, और नमक, काला नमक, तो ये रायता तैयार है। इससे खाएंगे इसको, आप भी बनाइए और खा के देखिए कैसी मस्त बनती है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको बना के देखिए और कमेंट में बताइए कैसी बनी है।